मेरा बेटा एक लड़की से प्रेम करता था। कितना प्रेम विवाह हो ये रहा है। यही गांव में एक प्रेम विवाह हुआ। मोहब्बत करने वाले का इतना खतरनाक अंजाम ना पहले देखा ना सुना। एक ही बेटा था, मार दिया। यह कहना है प्रेम प्रसंग में मारे गए सौरभ राज की माँ का। उसकी माँ ने कई राज खोले। सौरभ की माँ ने कहा, अगर वो गलती कर रहा तो बताना चाहिए था। किसी को मार देना सही है क्या? मार कर चादर उड़ा दिया था। पापा को बुलाकर दिखाया, कैसा लग रहा होगा एक बाप को। उल्टे उनकी कनपट्टी में पिस्तौल सटा दिया। खूब डराया धमकाया, साइन करवा लिया। उल्टे इधरे के 3 आदमी को अरेस्ट कर लिया। उधर का सब आदमी आज़ादी से घूम रहा है। ऊपर से धमकी देता है बार बार, ई कर देंगे ऊ कर देंगे। यहाँ याद दिला दे कि प्रेम प्रसंग में मारे गए सौरभ राज का दाह संस्कार उसके प्रेमिका के आंगन में ही कर दिया गया था। दिल को छकछोर देने वाली यह वारदात मुजफ्फरपुर के सोनबरसा गांव में हुई थी। दरअसल सौरभ को पास के ही एक गांव में रहने वाली लड़की से प्यार हो गया था। दोनों चोरी चोरी चुपके चुपके मिलते जुलते रहे। एक दिन लड़की के घर वालों को इसकी भनक लग गई। लड़की के परिवार वालों खासकर उसका भाई सौरभ को जान से मार देने पर उतारू हो गया। सौरभ के पापा मनीष ने हाथ पैर जोड़े और कहा, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। सौरभ को उड़ीसा भेज दिया गया। पापा ने बेटे से एक वचन भी लिया कि दोबारा उस लड़की के गांव में कदम नहीं रखेगा, वहीं कभी लड़की का नाम तक अपनी जुबा पर नहीं लाएगा। सब कुछ वैसा ही चल रहा था। उड़ीसा में नौकरी कर जो कमाता था घर वालों को भेज देता था। 1 जुलाई को अपनी बहन की शादी में शरीक होता है। सौरभ के गांव आने की खबर लड़की के घर वालों तक पहुंच गई। अभी पुलिस जांच में यह राज नहीं खुला है कि सौरभ सोनबरसा गांव गया था या उसे बुलाया गया था। दोनों चोरी चोरी चुपके चुपके मिल बतिया रहे थे। लड़की के भाई ने देख लिया। इसके बाद सौरभ को इतना मारा कि वह बेहोश हो गया। इल्जाम है कि सौरभ का प्राइवेट पार्ट तक को काट दिया गया। एक अस्पताल में वह मर गया। सौरभ की मौत की फैली खबर के बाद उसके गांव के लोगों का गुस्सा उबाल पर आ गया। सौरभ का जनाजा लेकर सैकड़ों लोग उसकी प्रेमिका के घर तक पहुंचे और उसके आंगन में ही दाह संस्कार कर दिया। गाँव में बढ़ते तनाव को देख कर गाँव में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था। लड़की से प्रेम करता था, हमको पता नहीं था। तो उस बार पता चला तो मैनेजिंग हुआ केस होने के लिए हुआ। तो वो लोग बोला जो नहीं, मैनेजिंग कर लीजिए, जे अब ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कागज भी बना, उस पर साइन भी हुआ 10 आदमी का, हुआ जो अब ऐसा बच्चा गलती करेगा, इधर से हम लोग बोले जो ऐसा गलती करेगा तो हमको बोलिएगा। तो बोला जी ठीक है, आपको बताएंगे। के बाद हम लोग बाहर भेज दिए उसको, यहाँ नहीं रहेगा ना, बदमाशी करेगा, तो यहाँ नहीं रहता था। बहन के शादी था 7 जुलाई को, तो वो 28 जून को आया था। 5 बजे तक यहाँ दरवाजे पर था वो। उसके बाद फोन आया यहाँ से, वो निकल गया बाहर गया। वहाँ से कौन ले गया, कैसे गया, वो तो हमको पता नहीं है। कोई तो ले गया वहाँ, उसको मार कर घर में रखा था। उसके बाद उसके पापा थे चौक पर, तो उनको बुला कर ले गया। बोला जे चलिए आपसे दो बात करना है। बुला कर ले गया, वो अपने घर पे ले गया तो देखे जो वो मार के रख लेता एक चादर उड़ा के अपना दरवाजे। बताइए उस हाल में पापा का उसका क्या हाल होगा। स्थल भी आके उनसे दस्तखत करवा लिया और बोला जे चलिए इसको दिखा देते हैं, प्रसाद हॉस्पिटल में ले चलते हैं, आप लोग पीछे से आइए। वो घबरा गए थे, नहीं कुछ कर पाए। पीछे से गए तो उन लोग वहाँ रख के चला गया। गलत नंबर लिखा के, गलत पता लिखा के रख दिया था, चला गया। वहाँ ये लोग पहुँचे तो वहाँ के बताए सब आदमी जो ही तो मरल लाश लेके आया था, जो आया था सब वही सब रख लिया। मोबाइल उसका है, नया मोबाइल है, 1 महीना पहले खरीदा था। पर्स था, पर्स में कुछ पैसा भी था उसके पास, जाने वाला था 2 दिन बाद। इसी बीच सब कांड हो गया। अब बताइए आप लोग जो इसका क्या इंसाफ होना चाहिए। एक ही लड़का था भाई, धीरे के 3 आदमी अरेस्ट हुए हैं। 1 आदमी गांव के हैं और 2 आदमी अपने चाचा हैं सौरभ का। और ऊपर से धमकी देता है बार बार, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। जो शांत रहो, चमचागिरी का बोलना बंद करो, ये करो वो करो, नहीं तो और को उठा लेंगे।
उनको बताना चाहिए ना जो हाँ आपका लड़का गलती कर रहा है, प्रशांत पांडे को बताते ना हमको जो हाँ आपका लड़का गलती कर रहा है, ऐसा तो प्रेम विवाह हो ही रहा है, तो हमको बताते तब ना हम सोचते जो हाँ क्या करना है नहीं करना है, कि किसी को जान से मार देंगे, ऐसा होता है क्या? इंसाफ चाहते हैं, दूसरा कुछ भी नहीं चाहते, इंसाफ चाहते हैं। कोहराम लाइव के लिए नीतू सिंह के साथ भावना ठाकुर की रिपोर्ट।